और एक बड़ा गुनाह है जिसको लोग बड़े शौक से करते हैं, वो क्या है? गीबत है। गीबत बड़ा गुनाह है, बहुत बड़ा गुनाह है, लेकिन लोग गीबत करते हैं और क्या कहते हैं मालूम है आपको? पीठ पीछे बुराई भी बयान करेंगे और क्या कहेंगे? मैं उसके मुंह पर भी ये बात कह सकता हूँ। बोलते कि नहीं बोलते? किसी मुसलमान की खामियों का तस्करा करते रहते और क्या बोलते? मैं उसके मुंह पर भी बोल सकता हूँ। बोलेगा नहीं वो, आप ये जान लीजिए, वो सिर्फ बोलता है कि मैं उसके मुंह पर भी कह सकता हूँ, लेकिन बोलेगा नहीं, उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है। लेकिन इंसान गीबत को जायज ठहराने के लिए क्या कहता है? मैं उसके मुंह पर भी बोल सकता हूँ, मैं किसी से डरता नहीं हूँ। लेकिन मेरे दोस्तों आप ये बात याद रख लें कि गीबत गीबत है, किसी की पीठ पीछे उसकी बुराइयों का तस्करा करना ये गीबत है, अगरचे आप उसके मुंह पर कहें या ना कहें। लेकिन लोग बड़े शौक से करते हैं, कबीरा गुनाह है और यह हराम है किसी की गीबत करना, लेकिन लोग जो है ये कहते हैं कि मैं मुंह पर भी कह सकता हूँ। और गीबत क्या है? गीबत यह है कि किसी की बुराइयों का तस्करा उसके पीठ पीछे करना। और आप यकीन मानिए कि इस मामले में तो बड़े बड़े दीनदार लोग भी मुलविस है। क्या आलिम, क्या जाहिल, क्या मर्द, क्या औरत, क्या पढ़ा लिखा, क्या अनपढ़, क्या नमाजी, क्या बेनमाजी, जितने सारे लोग हैं गीबत बहुत ज़्यादा करते हैं। कितने ऐसे लोगों को हमने देखा कि नमाज पढ़ते हैं और गीबत शुरू कर देते हैं। ये लीजिए, जो इंसान गीबत करता है ना, वो अपनी तमाम नेकियां दूसरों को देने वाला है। कहते हैं कि हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह को किसी ने कहा कि फला इंसान आपकी बुराई बयान कर रहा था हजरत। कहा अच्छा ऐसा? कहा क्या? हाँ। तो एक जो है टोकरा, एक टोकरी खजूर उसको दे करके भेजा। उस आदमी को, कासिद को कहा कि जाओ एक खजूर, एक तोहफा जो है, एक टोकरी खजूर दे करके आ जाओ और उसे एक पैगाम दे देना कि हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने तेरे लिए ये गिफ्ट भेजा, ये तोहफा भेजा। क्यों? इसलिए कि तूने उनकी गीबत की है। और जो इंसान गीबत करेगा वो इंसान दूसरों को अपनी नेकियां देगा। तो तुमने अपनी नेकियां हसन बसरी को दे दिए, इसलिए वो खुश होकर के तुझे तोहफा दे रहे हैं। लाकीपना। हम और आप सोचते हैं, हमारे और आपके अंदर ये फिक्र है? नहीं है। गीबत आजकल लोगों की सबसे मरगूब गिज़ा है, पसंदीदा गिज़ा है, जबकि अल्लाह ने इसे हराम करार दिया है। अल्लाह ने क्या कहा कुरान मजीद के अंदर? वला यगतब बअदुकुम बअदा, कि तुम में से कोई इंसान किसी की गीबत ना करे। क्या तुम में से कोई इंसान ये चाहता है कि अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाए? तुमको उससे घिन आएगी। किसी की गीबत करना क्या है? आदमखोर बनना। आदमखोर सबको समझ में आता, आदमी का गोश्त खाना है। लेकिन ये आदमखोर हर इंसान बना हुआ, हर इंसान आदमी का गोश्त खाता है।